and practice set. Now we start types of sets. इसके पहले हमने sets पढ़ा, sets की definition पढ़ी और methods of sets पढ़ा, और जो जिसका काम practice set 1.1 solve करने के लिए था. अब हम types of sets पढ़ेंगे और इसके बाद practice set 2. टाइप्स ऑफ सेट्स में पहले है सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट, सिंगल नाम ही सिंगल है इसका. द सेट्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट, कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट, दिस टाइप ऑफ सेट इज अ सिंगलटन सेट. क्या बोला मैंने, ये सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट. सेट कंटेन्स only single element. जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं. इसके एग्जाम्पल्स यदि देना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल है. नेचुरल नंबर लेस देन टू, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होती है, लेस देन टू बोला तो ये सेट में आएगा. क्या है, एक एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर लेस देन टू, कौन आएगा इसमें, वन. ये सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है, यहां जीरो एक एलिमेंट है. द सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, दिस टाइप ऑफ सेट इज अ सिंगलटन सेट. जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं. उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन है, नेचुरल नंबर जो लेस देन टू है, ये जीरो इसका एक एलिमेंट है, देयरफॉर दिस इज आल्सो ए सिंगलटन सेट. और प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन है, टू. कौन सी नंबर है इवन, जो प्राइम नंबर भी होती है और इवन भी है, ऐसी कौन है, टू. टू इज अ इवन प्राइम नंबर, दिस आल्सो सिंगलटन सेट. समझ में आया बच्चों, सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो. अब इसके बाद देखते हैं हम एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट सेकंड एग्जाम्पल, एम्प्टी सेट. इसी को नल सेट भी कहते हैं, नल सेट और नल सेट. एम्प्टी means no, having no elements. If there is not a single element, जिसमें एक भी element ना हो, ऐसे set को हम null set या empty set कहते हैं. क्या है, empty set having not a single element, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं. तो इसका एक, इसका इसको डिनोट इस प्रकार किया जाता है, या फाइव. ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, और उसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है. ये सिंबल फाइव, फाइव मीन्स नल सेट, या एक सेट की कर्ली ब्रैकेट निकाल के छोड़ देने का. तो ये होता है हमारा, क्या है, नॉट अ सिंगल, हैविंग नॉट अ सिंगल एलिमेंट, दिस टाइप ऑफ सेट इज अ एम्प्टी सेट, और इसको डिनोट किया जाता है इस प्रकार. और इसका एग्जांपल है नेचुरल नंबर बिटवीन फोर एंड फाइव, नेचुरल नंबर बिटवीन फाइव एंड सिक्स, फाइव एंड सिक्स के बीच में कोई नेचुरल नंबर, फाइव. क्या बोला हमको, एक बोला नेचुरल नंबर x, मान लो a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू n, और n बिलोंग्स टू n, एंड ये क्या है, x कैसा है, फाइव.
एक्स जो है सिक्स से छोटा और फाइव से बड़ा, ऐसा नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो फाइव से बड़ा हो और सिक्स से छोटा हो, क्योंकि नेचुरल नंबर अपने को मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये जो है एग्जांपल वो नल सेट का है, या और बहुत सारे एग्जांपल्स अपन दे सकते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 नल सेट आएगा, और हम डाई खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो जिसमें 6 मार्क के ऊपर हो तो वो भी 6 मार्क के ऊपर, उस पर भी नहीं रहता। तो जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्या है, होल नंबर लेस देन 1, लेस देन 0, होल नंबर लेस देन 0 बोलेंगे तो 0 से नीचे कोई होल नंबर नहीं आती। तो जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसे हमको इतना ही ध्यान में रखना है, ऐसा सेट जिसमें एक भी ना एलिमेंट हो, दैट सेट इज अ एम्प्टी सेट या नल सेट, और उसको डिनोट किया जाता है किस सिंबल से, ऐसा सेट का मार्क करना है या ऐसा फाइलिंग। तो ये दोनों सिंबल जो है नल सेट के है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट मीन्स काउंटेबल सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट गिने जा सकते हैं। वी काउंट द एलिमेंट्स, वी कैन काउंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। दिस टाइप ऑफ सेट इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिस क्लास 9 के स्टूडेंट्स है तो उसको काउंट कर सकते हैं हम। स्कूल के बच्चे हैं, वी कैन काउंट द स्टूडेंट्स ऑफ द एंटायर स्कूल। या एक गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, ये सब काउंटेबल सेट में आते हैं, क्योंकि वी कैन काउंट द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, काउंटेबल सेट, इस प्रकार के सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। अब इसके एग्जांपल बहुत है, ये इज अ सेट ऑफ द पीपल्स ऑफ अ विलेज, या स्टूडेंट ऑफ द 9th क्लास, या शहर पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो ये सारे जो है काउंटेबल सेट है। तो इसके एग्जांपल्स हम इस प्रकार दे सकते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स काउंटेबल सेट, और कौन ऐसा सेट वी कैन काउंट द एलिमेंट। काउंटेबल सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट, जिसको काउंट किया जाता है उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जांपल्स क्या है, ए इज अ सेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज, विलेज बोलो सिटी बोलो, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं पीपल्स को। ये इस प्रकार के जो सेट होते हैं यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उस सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। अब इसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, इसका उल्टा, इनफाइनाइट मीन्स वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सच टाइप ऑफ सेट इज अ इनफाइनाइट सेट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नेचुरल नंबर,
set of negative integers, set of positive integers, all these are infinite set. क्योंकि हम लिखते लिखते थक जाएंगे लेकिन सेट पूरा नहीं होगा, काउंटिंग पूरी नहीं होगी. तो इस प्रकार के जो सेट है उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं. और इनफाइनाइट सेट के बाद ये चार पांच जो है कंसेप्ट कौन से है, पहले हमने क्या पढ़ा, सिंगलटन सेट यानी जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट हो ऐसा सेट. बाद में क्या पढ़ा हमने, एम्प्टी सेट और नल सेट. एम्प्टी और नल सेट एक ही होता है. एम्प्टी मीन्स खाली, कुछ भी ना हो, जिसमें एक भी ना एलिमेंट हो, उसे क्या कहेंगे हम, एम्प्टी सेट कहेंगे या नल सेट कहेंगे. उसके बाद क्या पढ़ा हमने, फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट मीन्स ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सके. वी कैन काउंट द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट. दैट टाइप ऑफ सेट इज अ फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट मीन्स जिसके हम एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते. तो ये चारों सेट हमने पढ़े बच्चों. अब इसी पे प्रैक्टिस सेट 1.2 है. अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल सेट और नॉट. और जस्टिफाई करना है. वी हैव टू गिवन दिस थ्री सेट्स एबीसी. सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हम लिस्टिंग मेथड में कर लेते हैं तो ज्यादा इजी जाएगा. इक्वल सेट क्या होते हैं, जिसमें सभी एलिमेंट्स इक्वल हो. जिस सेट में दोनों सेट दिए, दो सेट में एलिमेंट सेम है तो उसे हम इक्वल सेट कहते हैं. टू सेट्स ए बी, ए एंड बी मान लो इक्वल सेट. क्या होता है इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल. उसमें जो एलिमेंट्स है वो यदि इक्वल हो तो हम उसे इक्वल सेट कहते हैं. अब यहां पे दिया है हमको ए इक्वल टू, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एच सच दैट 3H-1 इक्वल टू 2. इसको हम लिस्टिंग मेथड में लिख लेते हैं. क्या दिया है हमको, इसको सॉल्व करना पड़ता है. यहां क्या है, 3X-1 हमें दिया है, 3X-1 इक्वल टू 2. ये 1 को इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, 2-1 इधर गया तो क्या हो जाएगा, +1. 3X इक्वल टू 3. Therefore, x इक्वल टू 3/3 क्या आ गया, 1. यदि हम इस सेट को लिस्टिंग मेथड में लिखे तो क्या हो जाएगा, Therefore, a का एलिमेंट क्या हो गया, 1. इसको सॉल्व करेंगे, 3x-1 इक्वल टू 2, 3x-1 इक्वल टू 2, 1 इधर गया, 2+1, 3x इक्वल टू 3, Therefore, x इक्वल टू 1. Therefore, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 1. इसमें एलिमेंट है 1. अब इसको देखेंगे, b इक्वल टू क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. सिर्फ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ही होता है. 1 ऐसी नंबर है जो कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है. प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ऐसा एक ही है, कौन, 1. तो बी का भी क्या आएगा, एलिमेंट 1. अब हमको लिखना है सी. क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट लेस देन 2. कंडीशन दी है, क्या दिया है, एक्स क्या होना, नेचुरल नंबर हो. एक्स बिलोंग टू एन मीन्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट एक्स लेस देन 2 मीन्स ऐसी नेचुरल नंबर जो 2 से छोटी हो. अब 2 से छोटी नंबर कौन है, 1. 1 के नीचे तो कोई नेचुरल नंबर है नहीं. और यहां बोला है 2 भी नहीं होना, 2 से छोटी होना. तो सी में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1. क्या आएगा, 1. अब देखो तीनों सेट, सेट ए कंटेन्स 1, बी में भी क्या है, 1, सी में भी क्या है, 1. अब ये तीनों सेट्स में क्या है, तीनों सेट्स ऑल दिस थ्री सेट्स हैविंग कॉमन एलिमेंट, हैविंग सिंगल एलिमेंट 1, सेम एलिमेंट है.
ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट सेम होते हैं उसको हम इक्वल सेट कहते हैं। तो यहाँ ए में भी वन है, बी में भी वन है और सी में भी वन है, देयरफोर क्या हो जाएगा, देयरफोर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यही हमारा जस्टिफिकेशन है, क्योंकि हमको ये सेट ए का एलिमेंट निकालना है, बी का निकालना है और सी का। हम ये हमको दिया है उनसे सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको हमने लाया लिस्टिंग मेथड में। लिस्टिंग मेथड से हमको समझ में आ जाता है कौन कौन एलिमेंट है, और तीनों सेट में एक जैसे एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, देयरफॉर ऑल दिस थ्री सेट्स आर इक्वल। क्वेश्चन टू भी वैसा ही है, उसमें भी हमको इक्वल सेट है कि नहीं पहचानना है। अब क्वेश्चन थ्री देखते हैं। क्वेश्चन थ्री में बोला है कि ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स आर नॉट। अब पहला एग्जांपल ऐसा है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन जीरो। अब ये पहला क्वेश्चन है, क्या ए इज अ सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर, और हमें बताना है कि ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है। अब ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है कैसा कहेंगे हम, इसको लिस्टिंग मेथड में लाने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, जीरो से कम कोई नेचुरल नंबर होती है क्या, नहीं। सबसे शुरुआत कहां से होती है नेचुरल नंबर की, वन से। सबसे छोटा नंबर वन है नेचुरल नंबर में, सबसे छोटा नंबर वन है, वन से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। अब यहाँ तो जीरो से छोटा बोला, तो है क्या कोई एलिमेंट, नहीं है। तो ये क्या है, एम्प्टी सेट। हम लिखेंगे देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन जीरो। हमको यहाँ पे जस्टिफिकेशन देना है कि रीजन बिकॉज जीरो से देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, देयरफॉर ए इज एम्प्टी सेट। हम लिखेंगे क्या लिखेंगे रीजन में, देयर इज नो सच नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, देयरफॉर सेट ए इज ए एम्प्टी सेट। मीन्स क्या आएगा, ए इक्वल टू ऐसा, देयर इज नो सच नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल नंबर विच इज लेस देन जीरो, देयर इज नो सच नेचुरल नंबर विच इज लेस देन जीरो, देयरफॉर सेट इज एन एम्प्टी सेट। सेट ए इज एन एम्प्टी सेट, देयरफॉर ए इक्वल टू ऐसा सेट का साइन लिखो या फाइ लिखो, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एम्प्टी सेट है ये। क्यों एम्प्टी सेट है, क्योंकि जीरो से छोटी कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। अब ये बी है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो बोला, तो एक्स स्क्वेयर जीरो है तो एक्स भी जीरो रहेगा, तो वो भी क्या है, एम्प्टी सेट है। और बाद में बोला है फाइव एक्स एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, बी ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो है तो क्या एक्स इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये एम्प्टी सेट है क्या, एम्प्टी सेट है नहीं है, इसमें एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सा है, जीरो। इन दिस सेट कंटेन्स वन एलिमेंट, ए सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है, देयरफॉर बी इज नॉट एम्प्टी सेट।
बी एम्प्टी सेट नहीं है, बी इज नॉट ए एम्प्टी सेट, बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट, वॉवेल है इसलिए एन लगाना पड़ेगा, ये वॉवेल है और वर्ड के शुरू में यदि वॉवेल आया तो हम एन लगाते हैं, तो बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट, क्यों? बिकॉज बी हैज अ वन एलिमेंट जीरो। अब सी देखते हैं, सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, दिस इज अवर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या है 5x माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये टू को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू टू, देयर फोर 5x इक्वल टू टू, देयर फोर x इक्वल टू टू अपॉन फाइव। यहाँ कंडीशन क्या दिया है 5x माइनस टू इक्वल टू जीरो और x कैसा है नेचुरल नंबर है और x हमको क्या मिला है 2 अपॉन फाइव, 2 अपॉन फाइव नेचुरल नंबर है क्या, 2 अपॉन फाइव नेचुरल नंबर है नहीं है, फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये इंटीजर नहीं है, तो देयरफॉर देयरफॉर क्या आएगा यहां लिखेंगे हम 2 अपॉन 5 इज नॉट अ क्या है 2 अपॉन 5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर देयरफॉर सी इक्वल टू फाइव। देयरफॉर सी इक्वल टू फाइव, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो वैसा ही है, इक्वल सेट है कि नहीं पहचानना है, इक्वल सेट है जिसमें सेम एलिमेंट हो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर में ऐसा है कि ये फाइनाइट सेट है कि नहीं, राइट विथ रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट बताया मैंने काउंटेबल सेट्स और इनफाइनाइट भी बताया जिसको हम गिन नहीं सकते ऐसे सेट। अब मान लेते हैं यहां पे बोला है एक्स लेस देन टेन, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन टेन एक्स इज अ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर है और टेन से छोटी है तो क्या आएगा उस सेट में 1 2 3 4 अप टू 9, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, दिस इज अ काउंटेबल सेट, दिस इज देयर फॉर फाइनाइट सेट। पहला फाइनाइट सेट है, इसमें हमको 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन सॉल्व करना है, रीजन के साथ लिखना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है पहला, व्हाई? बिकॉज वी कैन काउंट द एलिमेंट, 1 to 9 दिया है, नेचुरल नंबर बोला है, लेस देन 10 बोला है तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने एलिमेंट उसमें आएंगे और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, देयरफॉर दैट सेट इज अ सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। सेकंड में बोला है y लेस देन माइनस वन और y इज एन इंटीजर, b है, b इज अ सेट ऑफ y सच दैट y क्या है y less than minus 1 and y is an integer, integer तो होते हैं, integer positive रहते हैं negative रहते हैं, negative integers positive integers, तो minus 1 से छोटे बहुत आएंगे, minus 2 है, minus 3 है, minus 4 है, माइनस फाइव है, गए तय गए, हम लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर्स
खत्म नहीं होंगे। तो ये जो सेट है कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट, देयरफॉर दिस इज क्या है, इनफाइनाइट सेट, देयरफॉर बी इज इनफाइनाइट सेट। फाइव सिक्स निगेटिव सिक्स निगेटिव सेवन है, अब तो हम लिखते जाएंगे पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन ये नंबर्स खत्म नहीं होंगे। तो ये वी कैन नॉट काउंट दीज एलिमेंट्स, देयरफॉर दिस इज बी इज अ इनफाइनाइट सेट। अब सेट ऑफ होल नंबर्स बोला है, ये सभी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, विलेज के पीपल हम गिन सकते हैं, दैट इज अ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास फ्रॉम योर स्कूल, हम स्टूडेंट्स भी गिन सकते हैं, वी कैन काउंट द स्टूडेंट, देयरफॉर दीज आर ऑल्सो फाइनाइट सेट। सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का सेट अनकाउंटेबल होता है, वी कैन नॉट काउंट द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इनफाइनाइट सेट होता है। तो इस प्रकार हमको क्वेश्चन फोर सॉल्व करना है। बाकी बच्चों घर में ट्राई करना और ये प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट सॉल्व करके देखना, आसान है। इसके लिए क्या काम में आएगा, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है, जिसमें ऐसे सेट जिसमें इक्वल एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो, इक्वल नहीं सेम एलिमेंट, जैसे कि वैसे वही एलिमेंट को, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। जैसा इक्वल सेट में क्या है, वर्ड ऑफ अ टी, टी ई ए, ए इज अ सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड टी, टी ई ए, और बी इज अ सेट ऑफ अ वर्ड इट, ई ए टी, उसमें भी वही एलिमेंट है, टी ए उसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो ये दोनों इक्वल सेट है। सेम एलिमेंट जिसमें हो उसे हम इक्वल सेट कहते हैं। तो आई होप यू कैन सॉल्व, यू विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, थैंक यू।